राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को है और उससे पहले राजस्थान में एक कांग्रेस नेत्री की खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान के अलवर जिले की कठुमर सीट विधानसभा ये आता है और इसकी एक वजह ये भी है कि इस सीट से कांग्रेस ने इस बार युवा महिला नेता संजना जाटव को टिकट देकर मैदान में उतारा है। चार बार के विधायक बाबूलाल नागर का टिकट काटकर कांग्रेस ने 25 साल की युवा नेत्री संजना जाटव को टिकट दिया, लिहाजा यह सीट की चर्चा प्रदेश में जमकर हो रही है। संजना जाटव को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बाबूलाल बैरवा और उनके समर्थकों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। संजना जाटव पिछले कुछ समय से ही कांग्रेस में एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही हैं। संजना जाटव ने LLB किया है और वह अलवर जिले के परिषद के सदस्य भी हैं। SC वर्ग से युवा चेहरे के तौर पर उभर रही हैं। संजना जाटव को पार्टी मंचों पर अपनी बात दमदारी से रखने के लिए भी देती है और जाना जाता है। ऐसे भी खबरें हैं कि प्रियंका गांधी की गुड बुक में शामिल होने के बाद ही संजना को टिकट मिला है। संजना जाटव प्रियंका गांधी के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं में जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच में वो प्रियंका के इस अभियान को आगे लेकर जा रही हैं। प्रियंका गांधी संजना जाटव के काम से खुश हैं, लिहाजा बताया जा रहा है कि कठुमर में कई दावेदार होने के बावजूद संजना को पार्टी ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दी है। कठुमर विधानसभा में लगातार एक्टिव रहने और एक्टिव की दावेदारी पेश करने के मुद्दे पर संजना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पार्टी उनके क्षेत्र में जरूर मौका देगी। दावेदारी को लेकर संजना का इस दौरान यह भी कहना था कि वो स्थानीय हैं और लगातार गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। ऐसे में उन्हें विश्वास है कि पार्टी उन्हें मौका देगी। विधायक बनने पर संजना जाटव का दावा है कि पानी की समस्या दूर करेगी और चंबल में पानी को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास भी करेंगी। संजना जाटव को टिकट फाइनल होने के बाद बाबूलाल वैरवा और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। संजना को टिकट दिए जाने पर बाबूलाल वैरवा पार्टी से नाराजगी जता रहे हैं। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि बाबूलाल वैरवा BJP के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर BJP ज्वाइन कर सकते हैं। संजना जाटव को कांग्रेस की ओर से किए जाने के बाद आज बाबूलाल वैरवा की BJP में जाने की अटकलें तेज हो रही है। अभी BJP की ओर से कठुमर सीट पर उम्मीदवार उतारा नहीं गया। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि बाबूलाल वैरवा BJP ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मुकाबला कड़ा हो सकता है। कांग्रेस ने SC वर्ग की इस युवा नेत्री पर दांव खेला है। माना ऐसा भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी की पहल पर संजना जाटव को टिकट दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और वोटों की गिनती बाकी चार राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में देखना होगा कि संजना जाटव कितने कांग्रेस के लिए और प्रियंका गांधी के चेहरे पर जो उन्होंने उतारा है, प्रियंका गांधी विश्वास उन पर जताया है, उस विश्वास पर कितना कायम रहती हैं और कांग्रेस को कितनी जीत दिलाने में उनको सफलता हासिल होती है। क्योंकि संजना जाटव को अक्सर सचिन पायलट के साथ भी देखा गया, उनसे मिलते हुए भी देखा गया और खासम खास माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की संजना जाटव खास है और उम्र 25 साल बताई जा रही है। ऐसे में 25 साल के नेत्री के लिए 56 साल के विधायक का भी टिकट कर दिया गया और 25 साल की नेत्री वकील नेत्री अब BJP पर भारी पड़ने वाली। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।